हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, माता रानी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सभी के प्यार से। तो फ्रेंड, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आ गई हूँ मैं, दीपा गोस्वामी, आप लोगों के साथ फिर से एक नए दिन, नए ब्लॉग के साथ। तो जो भी मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहा है, तो उनको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं कर रही हूँ शुरुआत फ्रेंड अभी शाम को 5 बजे से। शाम के 5 बजे हुए, यहाँ पर मेरी गोदी में भी माधव बैठे हुए हैं, तो वो नहीं आना चाह रहे हैं ब्लॉग में, तो उनको मैं नहीं ला रही ब्लॉग में। तो और मैं फ्रेंड, मैं आप लोगों की प्यार से, मेरे मेहंदाओ के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सभी के प्यार से, तो मुझे ना आए किसी एक नई पर्सन ने, नई नहीं मतलब बहुत प्यार है, बहुत ही अच्छा है जो भी है, मतलब उन्होंने मुझे ना आईफोन गिफ्ट कर दिया। तो आप लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह तो उसका देखा ही होगा, आईफोन का आस्था लेने गई थी, तो मैंने वहाँ पे इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा गिफ्ट दे रहे हैं, उन्होंने बोला था मत बताना करके, तो मैंने कहा छोड़ो, क्या ही मैं उसका ब्लॉग बनाऊँ करके। फर्स्ट दिन जब हम लोग, आप लोगों ने मेरी मार्केट की ब्लॉग देखा होगा, तो मैंने इसीलिए मैं फर्स्ट दिन मार्केट बाज़ार गई थी बच्चों के साथ, जो सोमवार था उस दिन मैं बाज़ार गई थी, तो मैंने वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया था, इसी वजह से मैंने वहाँ की शॉप नहीं दिखाई थी। और दूसरे दिन उस दिन नहीं ला पाए थे, कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई थी, नहीं ला पाई थी। तो दूसरे दिन फिर मैंने नैतिक को और आस्था को भेज दिया था लेने के लिए, तो ये दोनों ही जने जा लेकर आए। तो उन्होंने कह रखा है कि अभी मेरा नाम मत लेना मेरे ब्लॉग में, तो इसलिए मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाह रही ब्लॉग में। तो जिस दिन लगेगा कि अगर वो कह देंगे, उनकी परमिशन होगी कि ब्लॉग में हाँ मेरा नाम बोल दो, तो मैं उनका नाम बहुत जल्दी लेकर आऊँगी अपने ब्लॉग में कि मुझे आईफोन किसने दिया करके। वैसे मैं पता है बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्यों लकी पता है? अभी तक मैंने अपने पैसों का फ़ोन नहीं खरीद रखा है ना, तो फ्रेंड मैं पता बहुत ज़्यादा लकी हूँ। लकी कैसी हूँ? हाँ, लकी इसलिए हूँ ना, अभी तक मैंने ना अपने पैसों से एक भी फ़ोन नहीं खरीदा है। मैं मेरा फर्स्ट फ़ोन था ना जब, तो उससे मैंने फ़ोन चलाना सीखा, ठीक है, और सेकंड फ़ोन था उससे मैंने ब्लॉगिंग करनी सीखी। मैं फ़ोन बहुत कम चलाती थी, मुझे फ़ोन चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। लोगों के हाथ में भी मैं जब फ़ोन देखती थी ना, तो मुझे लगता था क्या बोरिंग काम करते हैं, क्या फ़ोन की शौक होती थी। अभी भी मेरे पास आईफोन है ना, तो मुझे फ़ोन का इतना इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा कि आईफोन है, वाह आईफोन है, आईफोन कह के लोग ऐसे चौंक जाते हैं। मैं सोचती क्या क्या चौंक रहे हैं, आईफोन करके मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। जो मेरे पास ना वीवो का फ़ोन था, मुझे तो वैसे वो ही अभी बेस्ट लग रहा है वैसे तो, लेकिन आईफोन की मान्यता अलग होती है, मानते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और होती है आईफोन की। जो लेकिन मेरे पास जो मेरे पास वीवो 15 है, तो मुझे तो वही वीवो Y20 है, वीवो Y20 15 है, 20G है, हाँ वीवो Y20G जो मेरे पास अभी भी है ना, तो मुझे तो वही अच्छा लगता है। तो तीनों फ़ोन मेरे पास गिफ्ट के रहते हैं, पहले फ़ोन से मैंने फ़ोन चलाना सीखा था, और सेकंड फ़ोन से मैंने ब्लॉगिंग थोड़ा बहुत चलाना सीखा, उसके बाद ब्लॉगिंग लोगों के, मैं तो जानते भी नहीं थे पता ब्लॉग क्या होता है करके। जब से मैंने ब्लॉगिंग बनाना शुरू करी, उन्हीं दौरान मुझे पता चला कि ब्लॉगिंग जो होती है, लोग बबली उत्तराखंडी, पहाड़ी पवन पहाड़ी अगर वगैरह लोगों के नाम लेते थे, मैं सोचती थी क्या होता होगा ये बबली उत्तराखंडी, क्या होता होगा ये, मतलब सोचती थी। सबसे पहले मैंने वैसे ब्लॉग देखा, तो मैंने सबसे पहले हिनू का ही ब्लॉग देखा था, तो हिनू का ब्लॉग मुझे अच्छा लगता था। तो हिनू का जब से मुझे ब्लॉग अच्छा लगा, तो मैंने कहा यार मैं भी बनाती हूँ। फिर मेरी बहन ने भी फोर्स किया, यार बना ले दीपा जी, बना ले, अच्छा होता है, तुम बना सकती हो करके। तो मैंने कहा चलो फिर ट्राई करते हैं। फिर मेरे बेटे को भी एडिटिंग करनी आती थी, मैं खुद को एडिटिंग करनी आती है, तो उसने कहा मम्मी बनाओ, मैं करूँगा एडिटिंग। मैंने कहा बेस्ट है, फिर तो मुझे ये भी नहीं पता था एडिटिंग भी होती है, शॉर्ट्स भी बनाते हैं, ऐसा भी होता है करके मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन आज मैं 3000 सब्सक्राइबर लेकर बैठी हूँ भगवान की कृपा से, आज मेरे 3000 सब्सक्राइबर हो गए। अभी मेरे जनवरी से कौन सा महीना चल रहा है, ये सितंबर, तो 9 महीने हो रखे हैं। 9 महीने में कई लोग काफ़ी मंजिल पार भी कर लेते हैं, लेकिन मेरी मंजिल अभी 3000 में अटक रखी है, बहुत है फिर भी, है ना, अभी मेरी मंजिल 3000 में अटक रखी है। और मोनेटाइज तो भगवान जाने कब होगा, कब मेरी माता रानी सुनेगी, कब मेरे ये भोले बाबा सुनेंगे, कब मेरे गिरधर गोपाला सुनेंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज करवाएंगे जल्दी जल्दी से, और ये तो तब सुनेंगे, पहले आप लोग सुनेंगे। आप लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरे चैनल आगे को पूरा ग्रो ही नहीं करते। जितने अगर मेरे जितने सब्सक्राइबर है ना, उस हिसाब से अगर मेरी ब्लॉगिंग देखें, तो मैं काफ़ी अभी तक आगे पहुँच चुकी होती, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, शॉर्ट्स ही थोड़ा सा चलते हैं। शॉर्ट्स के जैसे अगर मेरे ब्लॉगिंग में व्यूज आते ना, वाह वाह वाह, मैं तो
तारे जमी पे होते और मैं आसमान में होती शायद, अभी उड़ती भी रूम, मस्ती भी रूम, पता नहीं कौन से घर में होती तुम, तो फिर मैं तुम लोगों को भाव ही नहीं देती पहली बात। अब तो पक्का ही मत देखना ये व्लॉग, देख लो गाइस। मजाक कर रही हूँ, यूट्यूब में जब यूट्यूब बनाते ना तो सबसे मतलब जो YouTube में चैनल बना रहा था ना वो किसी को बोले ना बोले, लेकिन YouTube में जो YouTube में जो वीडियो देखता है ना उसे बहुत प्यार देता है, बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है, क्योंकि अब अगर आप लोग ही हमारा ब्लॉग नहीं देखोगे तो फिर कुछ भी नहीं, आप लोगों के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। मैं तो मजाक कर रही हूँ कि मतलब हवा में होती है, हवा में तो होते ही भाई, उनको जब जब वो ब्लॉग बना रहे तो उनको जब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना देख रहे हैं तो पसंद करते हैं तो उनको तो खुशी होती है। मैं तो मजाक कर रही हूँ कि भाव नहीं देंगे, उनको कितनी खुशी होती है कि मुझे इतने लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं करके। तो मैं अपने बार बार ब्लॉग में ये कहती हूँ कि जितना आप बड़े यूट्यूबरों को भी बोलना नहीं आता, देखो मैं इतनी अड़े आता हूँ उतना प्यार देते हो तो उसमें से 0% निकाल के, 0 हटा के, मतलब मुझे भी देखें, मुझे भी अपना प्यार दें, 10% मुझे भी दें। तो और जिसने मुझे मोबाइल दिया ना उसको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। अभी मुझे अपनी क्वालिटी देखने में ना इतना मज़ा आ रहा है ना कसम से। और पर आईफोन होता क्या है, क्वालिटी देख के मज़ा आ रहा है ने। हाँ लेकिन मुझे ना चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसके सिस्टम ना ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, अपने फ़ोन की आदत की थी ना वो टक 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 बटन दबते थे, इसमें साला दिक्कत हो रही है। पर लेकिन आईफोन आईफोन ही होता है, बंदर को दी हल्दी उसने बेल में मल्दी वाला हिसाब था, आप लोगों ने सुना ही होगा वो मेरे साथ हो रहा है ना, वही तो क्या कहते हैं, तो वही वाला हिसाब मेरे पास साथ हो रहा है, बंदर को दी हल्दी उसने लगा के मल दी बन, वही है। तो फिर इसी के साथ मैं भी अपने शब्दों को यहीं पर विराम करती हूँ। तो प्लीज़ अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग, मैं ही हंस रही हूँ, मैं ही उछल रही हूँ, तो अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ मुझे तब तक पहले लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते रहती हूँ मैं दीपा हुसैन आप लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।